की जरूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए तो क्यों आए हैं और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियाँ हैं गठबंधन की वो इस बात पे सोचेंगे विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बताना बात करेंगे क्योंकि मैं ज्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगी अभी हम में करहल में तरह से शुरू से ही है क्या लगता है की क्यूँकी सत्ताईस का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा है कि तो आगे देखा जाएगा। नहीं अच्छा है क्यूँकी कि, कि, जहां यहां पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छु, खुली छूट दी गई कि मतदान मद, के दिन वो घूमे और बाहर से भी आ, आ, दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहाँ तीन या चार गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहां पे दस दस गाड़ियां लेके लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है लगता है

दोपहर साढ़े तीन बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उपचुनाव के नतीजों पर जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल मौजूद रहेंगे इस दौरान उनके साथ समीर सिंह प्रवक्ताएं बीजेपी के नेहा यादव प्रवक्ताएं समाजवादी पार्टी की तो आपको बधाई हो एक ऐतिहासिक जीत बहुत कम समय में देरा, 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 बहुत कम समय में एक ऐतिहासिक जीत

धार्मिक कार्यक्रम हो रामलीला हो चाहे व्यापार मंडल हो चाहे आर डब्ल्यू ए हो कोई भी कार्यक्रम हो सामाजिक हमारे कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी वहां पर रहती है और हम सब लोग चाहे सरकार की नीतियों को लेकर योजनाओं को लेकर सदस्यता अभियान को लेकर हम लोग जनता के साथ सीधे कनेक्ट रहते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जनता ने हमें पसंद किया और जनता ने सीधा वोट किया जी अब तक अध्यक्ष रहे तो आ, कुछ और जिम्मेदारियां थी अब विधायक बन गए हैं जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी क्या क्या मान के चलते हैं उन जिम्मेदारियों को किस तरीके से लेके चलेंगे कुछ ऐसे काम जो आप सोच के बैठे हैं कि मुझे करने हैं गाजियाबाद के लिए भगवान दुर्घेश्वर नाथ मंदिर है उसके कॉरिडोर की बात मैंने सोची है कि उसमें अच्छा कॉरिडोर बनना चाहिए दूसरा एम्स का जो सेटेलाइट सेंटर है वो गाजियाबाद में बनना चाहिए जो महामाया स्टेडियम है उसमें अच्छा विकास होना चाहिए उसके अलावा एन एस की उधर की जो कॉलोनिया हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसको काम करेंगे पेयजल के लिए प्रताप बिहार क्षेत्र में क्रॉसिंग में जाम की समस्या है कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को करने की प्राथमिकता और शिक्षा और चिकित्सा मेरे लिए प्राथमिकता हो तो यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से गाजियाबाद से जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ढोल यहाँ पर बज रहे बीजेपी की जीत पर ढोल बजाए जा रहे हैं यह आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से जोश में पूरा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है खैर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बढ़त है खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर और योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया सीएम योगी की जो रणनीति है वो काम आई जिस तरीके से प्लानिंग की गई प्रत्याशी चयन में योगी का फॉर्मूला हिट हुआ कई राउंड की स्क्रीनिंग हुई थी बटोगे तो कटोगे का नारा लोगों को काफी भाया है और सीएम योगी ने प्रचार की कमान खुद संभाली थी खुद एक एक सीट पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया रैली की रोड शो किया हर एक सीट पर वो गए और ये यहाँ पर जादू चल गया क्योंकि तो उपचुनाव को लेकर के तमाम तरह की समीकरण तमाम तरह की जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो रही थी लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला चला वो विकास का कानून व्यवस्था का ये जो काम किया वो कहीं ना कहीं जादू यहां पर चलता हुआ दिखाई दिया है और राकेश राजपूत जी लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राकेश जी, जी। जो स्थितियां अब उभर कर टेली में सामने आई हैं आप लोग तो क्लीन स्वीप की बातें कर रहे थे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएगी और भी बुरी हार होगी लेकिन नतीजे तो कुछ और कह रहे हैं देखिए थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही मैं रिपीट करूं बार बार वो अच्छी नहीं लगती हैं मैंने कहा कि जनता को इन्होंने वोट नहीं डालने दिया नहीं तो ये नौ की नौ सीटें समाजवादी पार्टी जीती पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ मैं आपको और इनकी नीति क्या है आदरणीय योगी जी की डालो फूट कर लो लूट कटोगे तो वटोगे ये केवल धार्मिक उन्माद के नारे लगा सकते हैं ये विकास की बात नहीं कर सकते ये महिला की बात नहीं कर सकते रोजगार की बात नहीं कर सकते मैं वही बात कह रहा हूँ ये अगर बात करते तो कानून व्यवस्था की बात करते कानून व्यवस्था इनकी कानून व्यवस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है इनको आत्म मंथन करना चाहिए कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जो हैं इन धर्मों को लेकर ये संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है लेकिन ये केवल डालो फूट कर लो लूट बटेंगे कटेंगे इस टाइप के नारे देते हैं अली बली कब्रिस्तान पाकिस्तान शमसान इनकी सोच आप देखिए इनके वक्तव्य से पता चलता है कि इस देश को इस प्रदेश को ये विकास की राह पर नहीं ले जाना चाहते केवल बांटना चाहते हैं इनकी नीयत बांटना है जो अंग्रेजों की थी डालो फूट कर लो लूट और ऐसे ही आप सेंटर में देखेंगे दे दो चंदा ले लो धंधा इनके कोई भी नारे आप देख लीजिए संविधान को कानून को मानने वाले नहीं है जो शोषित वंचित तो समाज है के हमारा तो जो परिवार सिर्फ जनता का वोट न देना या बीजेपी ने वोट डालने नहीं दिया प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया यही सब बातें हैं या इसके अलावा भी कोई कारण है देखिए ये महत्वपूर्ण बात है आप इसको बहुत हल्के में कह रहे हैं अगर आप जनता को वोट ही नहीं डालने देंगे तो लोकतंत्र बचेगा कहां आप रिवाल्वर लहराएंगे आप थाना अध्यक्ष डराएंगे तो कहां से आम आदमी वोट डालने निकलेगा अगर आम आदमी को वोट डालने दिया जाता तो तस्वीर अलग होती लेकिन आज ये देख रहे हो उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं पूरे देश में क्या हालात हैं बेरोजगारी का आलम क्या है इस पर चर्चा नहीं करेंगे आज किसान फिर धरने पे बैठा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है उस पर चर्चा नहीं करेंगे टोटल आप प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं संविदा पे लिए जा रहे हैं लेकिन आप लोगों को रोजगार देने में स्वास्थ्य देने में शिक्षा देने में सब में विफल हो विफल हो इसीलिए तो आप स्टाफ के नारे लगा रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते हैं आप जबकि इन्हीं की पार्टी में दो दो, दो प्रकार तो के, के। जी जी लेकिन जी जी सबसे बड़ी बात यह कि जो परिणाम अभी सामने आए हैं इनमें की जो सीट थी इरफान सोलंकी चुनाव जीते थे पिछली बार और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम उनके साथ हुआ क्या लगता है उनके परिवार के साथ जो सिंपैथी रही उसने कहीं ना कहीं नसीम सोलंकी को जिता दिया और एक माहौल वहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में बना देखिए मैं केवल उस विधानसभा की बात नहीं करना चाहता आपसे आपको तो मैं पूरा निष्पक्ष और जो मैं घूमा हूं उत्तर प्रदेश में नौ की नौ विधानसभाओं पे जहां उपचुनाव हो रहे थे वहां पे माहौल पीडीए का था समाजवादी पार्टी का था राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों से सब लोग सहमत थे क्योंकि उन्होंने हमेशा विकास की बात करी और आप देखो ना सोशल मीडिया पर आप आज भी नाम डालिए काम बोलता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो आती है ये मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है लेकिन ये लोग केवल विकास की बात करते हैं झूठ बोलते हैं झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं आप ये देखिए ना इनके राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाली लक्ष्मण जी नोट की गड्डियां गिनते हुए पकड़े गए थे और आप अभी वर्तमान की बात करेंगे तो आपने महाराष्ट्र में देखा विनोद तावड़े जी जो इनके महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री नोट बांटते हुए महाराष्ट्र में दिखाए जा रहे हैं पकड़े जा रहे हैं उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए तो अगर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर यह संविधान कैसे चलेगा बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात राकेश जी आपने कही है लेकिन यहां पर यह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जश्न की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जादू यहां पर चला है सात सीटें नहीं ये योगी आदित्यनाथ जी का जादू नहीं है यह शासन प्रशासन की जो गुंडागर्दी है उसका फैसला है ये लोकतंत्र की हत्या है इसमें कोई दो मत नहीं है कहने में मुझे जिस दिन वोटिंग थी उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया चुनाव आयुक्त को उसके बाद छत पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया गया तो आप ये समझ सकते हो कि इससे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या मैसेज गया बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां पर कह रहे हैं चलिए ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या रिएक्शन देते हैं यहां पर देखें राके राजपुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए तो राकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे अब यहां पर ये यह तस्वीरें इस वक्त जश्न की हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी इस इलेक्शन को लेकर के और इस बाई इलेक्शन को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया और पूरी प्लानिंग और पूरी अप्रोच के साथ जो काम किया जो नारे चुनाव के वक्त आए या जिस तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया वो सारी चीजें बड़े मायने यहां पर रखती हैं और जाहिर तौर पर जिन दो सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है करहाल की सीट और दूसरी सीसा मऊ की सीट और इन दोनों सीटों पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी रही सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए नसीम सोलंकी को उतारा गया और मुस्लिम बाहुल्य सीट नौ सीटों के दंगल में जिस तरीके से न्यूज एटीन ने लगातार सुबह से ही हमने छह बजे से मेगा कवरेज दिखाई हर सीट के बारे में एनालिसिस किया और तस्वीर आपके सामने रखी और अब यहां पर परिणाम सामने आ चुके हैं सात सीटें अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं, दो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में यानी कि इतनी तस्वीर साफ है आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां पर एक बार फिर कायम होता हुआ दिख रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दस का दम जिसको हम लगातार पिछले काफी दिन से बता रहे थे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में है उसने उत्तर प्रदेश की नौ सीटों पर जिन पर कि बाय इलेक्शन हुआ यह ये न्यूज एटीन ने एक जिम्मेदार तरीके से हर खबर आप तक पहुंचाई और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे तेज नतीजे आज न्यूज एटीन ने अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं चाहे कुंदरकी का मामला हो वहां के समीकरण क्या कहते हैं मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहां पर इतने मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने वहां से जीत हासिल की सीसा मऊ से नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की यह अपने आप में एक समीकरण है क्योंकि नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है उनको समाजवादी पार्टी ने चुनावी दंगल में ताल ठोकने के लिए उतारा था तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर्स है जो यहां पर सामने निकलकर सामने आ रहे हैं और यहां पर महाराष्ट्र और झारखंड की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी जो तस्वीर उभर करके सामने आई है दो सीटें महाराष्ट्र की और दो सीटों की जो तस्वीर उभर कर आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न अब यहां पर मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी यहां पर जश्न मना रही है शाम सात बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर जीत का जश्न मनाया जाएगा दोपहर साढ़े तीन बजे भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर प्रदेश कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यह महाराष्ट्र की तस्वीर दो सौ इक्कीस एनडीए इकसठ इंडिया गठबंधन छह आदर्श यह आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की तस्वीर इस वक्त हम तो आपको बता रहे हैं क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और झारखंड में इंडिया गठबंधन चौवन एनडीए छब्बीस आदर्श एक ये तस्वीर झारखंड में इक्यासी सीटों पर तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं टेलीस्कोर क्या कह रहा है महाराष्ट्र और झारखंड का वो हम आपको दिखा रहे हैं क्या आखिर क्या तस्वीर महाराष्ट्र और झारखंड की उभर कर सामने आ रही है दोनों जगहों की तस्वीर असेंबली के रिजल्ट विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के इन दोनों जगहों पर ये चुनाव काफी दिलचस्प थे और जिस तरीके से प्रचार हुए जिस तरीके से तमाम दिग्गजों की रैलियां हुई उसके बाद महाराष्ट्र को लेकर के प्रोडिक्शन अलग अलग तरह के हो रहे थे लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब परिणाम सामने आए हैं वो यहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया गया है जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है तो महाराष्ट्र से एक खबर दो सीटें एनडीए 222 इंडिया गठबंधन 60 छह अदर्स ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया गठबंधन चौवन एनडीए छब्बीस अदर शेख ये झारखंड की तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी खबर बीजेपी दफ्तर जाएंगे सीएम योगी दोपहर साढ़े तीन बजे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है जब साढ़े तीन बजे योगी आदित्यनाथ बीजेपी के दफ्तर जाएंगे उपचुनाव के नतीजों का जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाएगी तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं झारखंड में चौवन सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए छब्बीस आधार से एक खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं तो उपचुनाव में दस का दम उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर हमने आपके सामने रखी किस तरीके से नौ सीटों पर वहां पर जीत हासिल करने के लिए दोनों ही सियासी दलों ने पुरजोर ताकत लगा दी थी और यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दो सीटों पर